दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम मैं खुले बालों में, ये मेरे बाल है भाई, पहली बार भाई, पहली बार कोई देख रहा होगा ऐसे, मतलब खुले बालों में मुझे, है ना। तो ये खुले बाल यार इसे आज कटाने का थोड़ा अफसोस तो है, लेकिन ठीक है अपनी खेती यार फिर बढ़ जाएगी, कोई चक्कर वाली बात नहीं है भाई। जोशी की तरह शूट कर रहा हूँ गाइस, है ना, और मेरे पास फैमिली भी पड़ी है, कुत्ता भी पड़ा है, बगल में चाची भी है, एंड जॉइंट फैमिली जैसा हो जाएगा मामला माहौल। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाओ, बस इतना आपका काम है कि सौरभ जोशी को टैग करके भेज दो, गंदी गंदी गाली मैं आके भेज दो। हेलो गाइस, देखो मेरे पास कुत्ता भी है गाइस, देखो देखो गाइस, एक बार हाई बोल दो, सबको हाई बोल दो गाइस। सौरभ जोशी सीढ़ी के कैसे कर लेता भाई तू। हाय एवरीबॉडी, सो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी सी व्लॉग लेकर के आ रहा है, बड़ी स्पेशल सी व्लॉग है, बिकॉज मैंने ना बाल कटवाने वाला हूँ, ये जो दिख रही पीछे छुट्टियाँ गुत, मैं जो ये कटवाने वाला हूँ। और सीन ऐसा है कि मैंने पिछले 1.5-2 सालों से एक भी हेयर कट नहीं कराया, बीच बीच में ट्रिम करवाते रहता था, अच्छे ग्रोथ के लिए ट्रिमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बाल बढ़ाना यार एक ना जंग है, अलग लाइफ का जंग है। अब बोलोगे यार सत्यम भाई आपकी तो दाढ़ी भी ट्रिम्ड है, तो मैंने खुद ट्रिम की है और उसके पीछे बहुत ही जेन्युइन रीजन, बहुत ही जेन्युइन, मैं जानना चाहती हूँ जेन्युइन रीजन क्या। रिश्ते वाले आए थे रिश्ता लेकर के, तो मैंने भी बोल दिया कि मेरे कुछ लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं, मैं उन प्रिंसिपल के विपरीत बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, चाहे मर्जी जो हो जाए। लेकिन फिर पता चला बहन जो उनके ना उनके पास ना 13-14 पेट्रोल पंप से है ना, 14-15-16 पेट्रोल पंप है। मैंने बोला जब भाई स्कूल ही बताया तो प्रिंसिपल तो भाई मैंने बोला कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं फिर करा लेते हैं भाई, आफ्टर ऑल ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रूमिंग एंड ग्रूमिंग। तो एक परिवार में सीन क्या होता है ना कि अगर कोई बच्चा कोई डिसीजन लेता है कुछ कराने का, तो उसमें ना 10 लोग अपनी अपनी टिप्पणियां देते, बेटे ये नहीं ये करते तो अच्छा लगता है, ये नहीं ये करते तो अच्छा लगता। वैसे ही मेरे पिताजी ने बोला बेटा बॉयकट करा ले वापस से, तो लौंडा बन जा वापस से, ये जो जनानी है जैसे तूने बाल बढ़ा रहे। मैं पापा ये फैशन है, मैं कैसे बताऊं यार, अपनी खेती है फिर बढ़ जाएगी। हमारे खानदान पे बेटी है नहीं, तो बेटी वाला सुख एक मैं ही दे रहा था कि लो भाई मैंने बाल बढ़ा ली मेरी चोटी मार दो, बट फिर वही है सीन कि यार कब तक ही चोटी मारेंगे, ये भी इरिटेट हो रहे हैं। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है कोई चक्कर वाली बात नहीं है, मुझे भी खुजली उजली होती है, गर्मी आ रही है, गांठ फट जाती है भाई, बड़े बाल बहुत हाई मेंटेनेंस है, बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिव चीज़ है, बहुत हालत ख़राब हो जाती है, मतलब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ यार। कुछ लोग बोलेंगे हाँ सत्यम भाई आप बाल कटा रहे हो, हाँ हाँ ए भाई ए सत्यम भाई बाल कटवा लिए, चूतिया लग रहे हो आप सत्यम भाई, तो सड़ी के घर से निकाल दिया जाऊंगा मैं अगर मैंने बाल नहीं कटवाया तो, समझ रहे हो। एंड जो सत्यम भाई चूतिया लग रहे हो सत्यम भाई, एक और भाई है बाल ना कटवाने के चक्कर में ना मेरे घर वालों ने अगर करोड़ों की संपत्ति उसके नाम पे कर दी ना, मैं माथा पीट के मर जाऊंगा कि नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, मैं टकराऊ मैं गंजा होने के लिए तैयार हूँ, तो भाई मैं ये नौबत तो नहीं आने दूंगा यार। जो बात है बिल्कुल साफ सिंपल सीधी सरल कि मैं बाल कटवा रहा हूँ, लेकिन पूरे तो नहीं कटवाऊंगा, फिर भी ऐसे इतने कटवाऊंगा कि भाई चोटियां बन सके, चोटियां बननी चाहिए, चोटियां। और हम कोशिश करेंगे कि गाली साली ना दें, गाली वाली से दूर रखें इन चीज इस ब्लॉग को, लेकिन वही है आई एम नॉट गे आई एम मर्द सो आई विल स्पीक अब्यूजिव लैंग्वेज बैंग। माता जी के डिसीजन सुन लेते हैं, माता जी की राय सुन लेते हैं। माँ ये बाल कटवाने के साथ साथ सोच रहे हैं कि दाढ़ी भी क्लीन शेव करवा ले और आईब्रो वगैरह भी क्लीन शेव करा ले, कैसा लगेगा, सही है, है? बढ़िया आइडिया ना। हाँ तो सोच रहे हैं कि ये सब करवा करके एक छोटा सा नॉर्मल ये रखे, छोटी रखे, टिक्की रखे, और सोच रहे हैं कि अब ये जीवन तो बेकार है, ये जिंदगी बेकार है, तो सोच रहे हैं कि जने उन्हें धारण करके बाबा बन जाते हैं। बाल तो बड़े, बाल जब बड़ा किए तो तुम लोग अघोरी बोल दी, अभी सोच रहे कि हम बताओ ना कुछ क्या डिसीजन क्या ले, अकेले हो जाए क्यों, अरे हमारे यहाँ वो जनेऊ होता है ना, वो जनेऊ संस्कार, हाँ 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 होता है, तो शादी भी करा रही हूँ ना, ये दाढ़ी वगैरह करवाई ना तुम, हाँ। तो शादी होगी ना मेरी, हाँ। दहेज तो लेंगे नहीं, गिफ्ट मिल रहा है ना, हाँ। है पेट्रोल पंप, हाँ। ठीक हम गंजा होने के लिए तैयार है, उसको बोल देना हम छाती का बाल, हम दाढ़ी का बाल, हम आईब्रो का बाल, और सब 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 छील लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा हम एक छिलावा आलू बनने के लिए तैयार है, बस उसको बोलो एक और पेट्रोल पंप दे दे। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम मैं खुले बालों में, ये मेरे बाल है भाई, पहली बार कोई देख रहा होगा ऐसे, मतलब खुले बालों में मुझे, है ना। तो ये खुले बाल यार इसे आज कटाने का थोड़ा अफसोस तो है, लेकिन ठीक है अपनी खेती यार फिर बढ़ जाएगी, कोई चक्कर वाली बात नहीं है भाई। तगड़ा काटिएगा बिल्कुल, है ना, कि लोग पूछे तो हम बता सके कि हाँ अशोक भैया काटे हैं। लैक में क्या हो जाता है, लक्ष्मी नहीं, नहीं। एडिडास नहीं, अभी बास एडा नहीं, क्या है ये, मैंने चोर काट दिया,
मम्मी का काम नहीं काटे हैं ये, अभी मम्मी डाल रहे थे तो कट हो गया कुछ, तो मैं बाहर निकल रहा हूं। कितने का दिया थे एक एपिसोड का? ये जो आपका ड्रेस है ये पीडब्ल्यूडी का है क्या? पीडब्ल्यूडी का है क्या? नहीं नहीं नहीं, तो इसका ही है, इसका ही है। नहीं नहीं, अरे ये फिजिक्स वाला। अच्छा है ना, सेम टी शर्ट है ना, जावेद हबीब का भी सेम है। मेरा बाल कैसा लगता है? रोमन रिंग्स, रोमन रिंग्स, तेरे नाम वाला रोमन रिंग्स। बाल देने से सोन पापड़ी मिलता है? बाल का सोन पापड़ी थोड़ी बनता होगा। नहीं नहीं, कौन बोला बाल खाएगा कोई? बचपन से तो यही ये हो रखा है ना कि बाल से सोन पापड़ी बनता है। भाई तुम कमेंट करके बताना, तुमने भी यही सुना है। मुझे मेरा बाल चाहिए गुच्छे में, पैकिंग करवा के दीजिएगा मेरा बाल मुझे। वो ले आना जरा, किचन से पन्नी ले आना। माँ कसम मजा आ गया भाई, तो रिएक्शन टाइम भाई चाबी का। सो दिस इज माय हेयर कट इज पैड चोद सेकंड हो गया, और कुछ नहीं है। तो रिएक्शन टाइम है भाई, देखते हैं लोगों को कैसा लगा मेरा हेयर कट। स्मार्ट तो लग रहा हो यार, पता नहीं अब देखते हैं। रिएक्शन 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 बेबे। आ गए माँ, क्या कट हो गया है जी? सही नहीं लग रहा है, सेक्सी तो लग रहा है। अच्छा तू इतना अच्छा क्यों लग रहा है? बढ़िया ना, तो इतना बड़ा क्यों रखे हो? ये बड़ा है। हाँ। और जो था वो बहुत बड़ा था। वो तो लड़की जैसा था। नहीं तो अभी जो है वो तो सही तो है यार, ये क्या इंसान मतलब टकला हो जाए? नहीं नहीं, आगे से और छोटा करना। नहीं माँ ये नहीं हो पाएगा। देखिए देखिए ये ना ऐसे पीछे जाएगा, ये ऐसे पीछे जा सकता है। सो नाउ एवरीथिंग इज पॉसिबल। पीछे का ठीक है, पीछे का बढ़िया। मम्मी देखो इतना नहीं हो पाएगा, इतना कॉम्प्रोमाइज कर ली, इतना नहीं हो पाएगा। ये लोग कत्ल के निशान। मम्मी हर जगह का ठीक है, नहीं कर इससे ज्यादा नहीं होना मेरे साथ। आगे का हमको लगा थोड़ा क्लचर लगाओगे? क्लचर नहीं भाई, ऐसे बाल खुले रहने वाले हैं मेरे, तो सेक्सी लगने वाले हम, ऐसे ही लगने वाले हम। थोड़ा बस इसमें दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके, दाढ़ी जैसे वैसे ही रखना, बढ़ाना मत दाढ़ी। हां दाढ़ी जैसे थोड़ा सा या जैसा है वो भी सही है भाई इस हेयर स्टाइल पे। आप मुझे कमेंट करके बताओ कैसा है। अभी तो छोटी मम्मी से भी लेंगे राय। नहीं नहीं आगे से नहीं अच्छा। हाँ आगे से नहीं, सब बढ़िया है यार। आप बताओ आपको कैसा लगा? अरे अपनी खेती है मम्मी, फिर बढ़ जाना है इसने। नहीं तो इसीलिए तो कह रहा छोटा करा लो, अपना खेती है फिर बढ़ जाएगा। ये कत्ल के निशान, ये मेरी मेहनत है भाई, ये मेरी मेहनत है। जो हल्का हल्का सुरूर है, तो ये तो वो वाला घर ना मेरा घर है, और ये वाला घर छोटी मम्मी का घर है। अभी हम आएंगे और आकर के देखते हैं, इनसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है मेरा हेयर कट। पूरा सौरभ जोशी व्लॉग इन सत्यम सिंह राजपूत एडिशन में। एक बार फिर बोलिए कैसे लग रहे हम? कैसे लग रहे हैं? एक बार बोल दीजिए ना। अभी तो आप बोले, फिर बोलने में क्यों शर्मा रही है? एक बार बोल दीजिए। अरे आप बोलिए एक बार, अपने आप बोलिए ना एक बार, बोलिए। शाहरुख खान की तरह हो गया। बाल अब खुले रहेंगे, बैज एकदम जुल्फे भी खेर के फूकिया। कौन है भाई? पहचान नहीं पाए? नहीं पहचान पाया। आप जी कौन है? सत्यम भैया पर इनका बाल नहीं पहचान आ रहा। बाल पहचान भी नहीं आ रहा है? अभी अभी वाला बाल ज्यादा अच्छा लग रहा है रेयांश, या पहले वाला? पहले वाला, पहले वाला अच्छा लगता था। तो बाल तो फिर भर जाएंगे ना? बोलो सत्यम भैया, सत्यम भैया आप सेक्सी लग रहे हो। सत्यम भैया आप सेक्सी लग रहे हो। क्या बोल रहे थे? सत्यम भैया आप बिल्कुल किसकी तरह लग रहा हूँ मैं? बोले सुशांत की तरह। सुशांत की तरह है ना? है तो अब होगी शादी और होगा पेट्रोल पंप अपने नाम, समझ रहे हो? तो जिन भी लोगों को अगर मेरा हेयर कट पसंद आया यार, तो थैंक यू सो मच, लव यू यार, जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरे हर लुक से प्यार करते हैं। और जिनको नहीं पसंद आया, भाई हर किसी का दिल कैसे रखूं मैं भी, तुम भी सोचो ना, तुम भी सोचो,
मुश्किल है यार थोड़ा, बाल है अपनी खेती है, फिर उग जाएगी, फिर उगा लेंगे बहन, फिर कोई चक्कर नहीं है ना। बाल डन, दाढ़ी डन, अब भाई जाके फटाफट से नहा लेता हूँ और एक पेट्रोल पंप पे बैठ जा, फिर बैठ पेट्रोल पंप पे बैठ करके दाढ़ी बाल दोनों पढ़ूंगा तेरी माँ की। सौरभ जोशी, थैंक यू सो मच यार मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, छोटी सी वीडियो थी या जो भी, अगर लंबी हो गई आई एम सो सॉरी, है ना, कुछ ऐसा प्लान नहीं था, बट यार नाइस सरप्राइज फॉर यू गाइज, कीप वॉचिंग माई वीडियो, लव यू बाई।